हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि थ्री वे स्विच का वायरिंग कैसे किया जाता है, यानी कि एक बल्ब का तीन स्विच से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए प्लेट ले लिए हैं। छोटा प्लेट नहीं था इसलिए बड़ा प्लेट लेना पड़ा, या 8 मॉडल का प्लेट है। और इसमें टोटल 4 स्विच लिए हैं, 1 2 3 4। जी हाँ दोस्तों, 4 स्विच लिए हैं, लेकिन हमारा ये थ्री वे स्विच का ही वायरिंग होगा और कंट्रोल होगा। कैसे होगा और क्यों 4 स्विच लिए हैं, आगे एंड में आप लोगों को पता चल जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें कुछ टुकड़ा टुकड़ा वायर ले लिए हैं, और उसके साथ देखिए एक वायर कटर ले लिए हैं, टेस्टर ले लिए हैं, और एक लंबा सा भी वायर ले लिए हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इस प्लेट में स्विच को फिट करेंगे। तो इसको इसका कवर खोलना होगा, इस तरह से खोल लेंगे, उसके बाद सभी को फिट कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों चारों स्विच को इसे फिटिंग कर लिए हैं, देखिए 2 बीच में लगा लिए हैं और 2 स्विच साइड साइड में रख दिए हैं, ताकि हमारा 3 जगह से ऑपरेट हो सके। अब चलिए इसमें वायरिंग करते हैं। अब इसमें वायरिंग करने के लिए देखिए कुछ छोटा छोटा सा टुकड़ा वायर ले लिए हैं, टुकड़ा टुकड़ा में। अब इसको इसमें कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा वायर लेंगे और ये पहला स्विच इधर से लेंगे, इसका नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। पहले से एक वायर इसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। एकदम ध्यान से देखना दोस्तों अब, ताकि आप लोग को कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। वायर को भी ज़्यादा बढ़ाने रखेंगे ताकि समझने में दिक्कत ना हो। जितना ही वायर लगेगा उतना ही वायर रखेंगे इसमें। ये हमारा देखिए यहाँ से कनेक्ट हुआ, अब इसमें कनेक्ट करेंगे दूसरा स्विच के जो है ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद फिर लेंगे एक वायर, टुकड़ा वायर, अब इसके ऊपर से लेंगे एक। दोस्तों आज का वीडियो जो बनने वाला है, एक जरा सा फेक वीडियो नहीं बनेगा, पूरा सच्चाई के साथ वीडियो बनेगा। पूरा फुल इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे कैसे इसका स्विच काम करता है। बहुत ऐसा वीडियो हम देखे हैं कि फेक वीडियो भी रहता है, लेकिन नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक जरा सा फेक वीडियो नहीं रहेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 2 स्विच में कनेक्ट हो गया। अब तीसरा स्विच में आते हैं। तो तीसरा स्विच में कैसे होगा, फिर से थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं। इसी में एक वायर और कनेक्शन करना होगा हमको। चलिए इसको इधर से ही कनेक्शन कर लेते हैं, ना इधर से कर लेते हैं, इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, बस वायर कनेक्शन होना चाहिए। देखिए इसी में कनेक्शन करेंगे। ये हमारा इसमें कनेक्शन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तीसरा स्विच के ऊपर वाला में कनेक्शन करेंगे इसको, इस तरह से। देखिए दोस्तों, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां गया, अब यहां से यहां डालेंगे, कर लेते हैं उसको भी। इसको भी थोड़ा सा लूज कर लेते हैं इसका स्क्रू को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इसमें कनेक्ट कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इसको इधर से घुमा लेते हैं, इसमें कनेक्ट करेंगे तीसरा स्विच के नीचे वाले में। दोस्तों इसको एक बार समझ जाइएगा तो बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ये आपका गली में या बड़ा हॉल में, उसमें आपका ये काम आएगा। अधिकतर यूज तो उसी में होता है, और रूम में तो हमेशा 2 वे स्विच का ही जरूरत पड़ता है, 3 वे का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये हमारा इस तरह से कनेक्ट कर लिए हैं। देखिए
तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दूसरा स्विच के ऊपर में गया है, फिर यहाँ से उसी से निकला है तीसरा स्विच के नीचे में। उसी तरह से ये देखिए यहाँ से जो वायर किए हैं दिए हैं यहाँ आ गया नीचे में दूसरा का, फिर दूसरा से निकाल के तीसरा के ऊपर में डाल दिए, ठीक है। अब चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों अब इसमें एक होल्डर लगा देते हैं, एक बल्ब। तो बल्ब में दो वायर रहता है फेस न्यूट्रल, तो इसका जो फेस वाला वायर है एल का रेड कलर का, तो इसको हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं पहला स्विच के बीच में, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद इसमें एक फेस बचा, इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक पीला वायर लेंगे, देखिए टुकड़ा सा, तीसरा स्विच के बीच से, तीसरा स्विच के बीच से लेंगे, इसमें एक वायर देंगे। उसके बाद चौथा स्विच का ऊपर वाला, आप ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं देना दोस्तों। इसका बीच से निकला ऊपर में कनेक्ट कर दिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा स्विच के बीच से निकाले कनेक्शन करके वायर, पीला वायर को चौथा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए। अब उसके बाद फिर एक पीला वायर लेंगे, इसका क्या करेंगे देखिए, दूसरा स्विच का बीच से, देखिए दोस्तों इसे जो हमारा दूसरा स्विच है अभी भी एक टर्मिनल इसमें खाली है, तो इसमें वायर कनेक्ट करेंगे। इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इसमें घुसा लेते हैं, देखिए ये हमारा दूसरा स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, चौथा स्विच के छील लेते हैं, चौथा स्विच के ये नीचे वाले में, नीचे वाला जो पॉइंट है इसमें इसको कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसमें फेस लाइन और न्यूट्रल लाइन यानी कि सप्लाई वायर इसमें कनेक्शन करते हैं, इसमें सप्लाई लाइन कनेक्शन करना होगा, इनपुट करना होगा, तभी हमारा ये ऑपरेट होगा। तो देखिए इसमें एक हमारा रेड कलर का जो वायर है इसमें टू पिन प्लग लगा दिए हैं, इसी में हम बोर्ड में खोस के इसको सप्लाई लाइन इसमें इन करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये जो स्विच इसका है चौथा स्विच का बीच वाला टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, इसमें हमारा फेस लाइन इन हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसमें हमारा फेस लाइन इन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो ब्लैक का न्यूट्रल है इस होल्डर में जो मेरा गया है न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल वाला वायर यहां पर इसको टेप मार देते हैं, जोड़ दिए, यानी कि हमारा न्यूट्रल का वायर जो रहता है डायरेक्ट हमारा लाइट में जाता है, स्विच से कोई लेना देना नहीं है, स्विच में सिर्फ फेस लाइन का ही लेना देना है, चाहे आप फेस भी घुसा सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी यहां डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप फेस लाइन का ही स्विच में कनेक्शन करें। तो इसमें जैसा कि दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए चलिए यहां से बताते हैं, यहां पर देखिए इसमें हम फेस लाइन को बीच में हम इन किए हैं, उसके बाद देखिए ऊपर वाला जो गया है, ऊपर वाला टर्मिनल जो वायर हम कनेक्ट किए हैं दूसरा स्विच के बीच में कनेक्ट कर दिए हैं, फिर इसका नीचे का वायर जो कनेक्शन किए हैं तीसरा स्विच के बीच में कर दिए हैं, ठीक है। ये दोनों का वायर समझ में आ गया, ठीक है, दोनों पीला वायर दोनों के बीच बीच में कनेक्शन हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या किए हैं, इसको इसका टर्मिनल इसमें कनेक्ट कर दिए हैं और इसका टर्मिनल इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, फिर इसी से इसमें कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिए, मतलब क्रॉस कर दिए हैं, यहाँ से इसे क्रॉस कर दीजिए और यहाँ से इसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। बाकी ये दोनों बीच में कनेक्ट हो गया, इसका बीच से सीधे चला गया है होल्डर में हमारा, ठीक है। अब चलिए इसमें लाइन देते हैं, इसके पहले इसमें होल्डर लगा लेते हैं दोस्तों। ये हमारा इसमें
होल्डर आ गया। अब इसको इस तरह से पलट लेते हैं। और इसको लाइन में हम खोस लेते हैं। तो ये हमारा देखिए बल्ब जल भी गया, जैसे लाइन इसमें इन किए। अब चलिए इसको स्विच से कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारा कंट्रोल होता है या कि नहीं होता है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा ऑफ हो गया। यहां से अब स्टार्ट ऑफ करते हैं तो ये हमारा ऑन हो गया। अब ये बचा बीच का। अब ये जो दो स्विच है दोस्तों, ये दो स्विच हमारा एक स्विच ही काम करेगा, मतलब दोनों का मतलब दोनों स्विच को मतलब मिला देना होगा, तभी हमारा ये थ्री वे स्विच का काम करेगा। क्योंकि थ्री वे स्विच में हमेशा इंटरमीडिएट स्विच लगता है। इंटरमीडिएट स्विच कैसा रहता है दोस्तों, उसमें चार पॉइंट रहता है। जैसे कि इसमें देखिए तीन पॉइंट है ना, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सब में तीन तीन पॉइंट है और तीन तीन टर्मिनल है। तो इंटरमीडिएट स्विच में क्या होता है कि चार पॉइंट रहता है उसमें। तो चार पॉइंट वाला स्विच तो मेरे पास तो है नहीं, जिसके चलते से क्या करना पड़ा, दो स्विच को लेना पड़ा। तो इसको इंटरमीडिएट स्विच बना दिए। तो हमारा देखिए यहां से ऑफ हो गया, इसको नजदीक कर देते हैं थोड़ा। यहां से ऑन हो गया, यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमारा यहां से ऑफ ऑन हो गया। अब यहां देखिए दोनों को लेना होगा, दोनों साथ में इसको दबाना होगा, या फिर इसको चिपका दीजिए या फिर इंटरमीडिएट स्विच लगा दीजिए। हमारा वहां ऑफ हो गया, अब यहां से ऑन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से ऑन किया तो हमारा वो ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। अब जहां से जिस तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये वायरिंग करना आप लोग को समझ में आ गया होगा, कैसे वायरिंग किया जाता है, कितना स्विच लगता है। कोई तरह का फेक वीडियो नहीं बनाया दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इस तरह से हर एक नया नया ट्रिक आप लोग को देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।